सागर अदर फैमिली है और अब बस मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है एक्चुअली। तो मेरे पीछे ही है, मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अबाउट दिस कि क्या है ये और कब बना था और क्या क्या है इसके बारे में वो सारा बताना चाहती हूँ। सो पहली बात तो ये कि ये आई थिंक इसका कंस्ट्रक्शन 1882 में स्टार्ट हुआ था और मैं फिर बताना चाहूँगी कि ये अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। इट्स लाइक आज कितना 2024 हो गया है, राइट? और ये अभी तक इसका काम चल रहा है और इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये शायद 2026 तक कंप्लीट हो जाए, बट पता नहीं। और मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसे कि अनफिनिश्ड कैथोलिक चर्च कह सकते हो आप इसको। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसके जो इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, जो आपने कल मेरा देखा था कासा बाटलो और कासा मेला जो एंचनी वोदी के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी एंटनी ने ही इसको आर्किटेक्ट किया है। ओके, तो पहले तो ये चीज़ है, बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सोची मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप बस देखो मेरे से, पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये और फिर उसके बाद बताना आप मेरे। ओके, सो ये है वो चर्च कह लो या सागर द फैमिली या जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ। आगे बढ़ के मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे को थोड़ा सा और बताना है इसके बारे में कि ये जो है, ऐसा कि आपको लग ही रहा है मतलब बहुत ही अनफिनिश्ड, अभी तक काम चल ही रहा है इसका, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये बहुत ही कलरफुल है। अगर आप देखो यहाँ पे उसने जो एंटनी वोदी जो आर्किटेक्चर था इसका, उसने देखिए कैसा काम किया है कि यहाँ पे सारे कलरफुल उसने बना रखे हैं। बहुत ही कलरफुल है ये, अंदर से भी शायद बहुत कलरफुल होगा। और बाकी इसकी डिटेलिंग अगर आप देखो तो कितना मतलब डिटेल के साथ, मतलब ये वन ऑफ द मास्टरपीस है स्पेन में, जो बहुत सारे लोग इसको विज़िट करते हैं इस, और इसमें मतलब काफ़ी टाइम लग गया है, काफ़ी ज़्यादा, और अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। तो मैं वही बोल रही थी कि पता नहीं फिनिश कब तक होगा, बट ये ज़रूर है कि ये इसको मतलब अगर आप बोलोगे कि इसकी फंडिंग वगैरह कहाँ से होती है, तो फंडिंग इसकी डोनेशन से होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ऑब्वियसली इसमें इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, अभी इतनी मुझे लाइन दिख रही है यहाँ पे टूरिस्ट लोगों की कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं, तो इनके थ्रू इसकी फंडिंग होती है। बाकी अब मैं अंदर जाती हूँ और थोड़ी पिक्चर्स ले पाई तो पिक्चर्स लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको अंदर से इसको दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सुंदर है। बस बने रहिए और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके, सो मैं अंदर जा रही हूँ अब। मेरे पास टिकट ऑलरेडी है, मैं उसका प्राइस बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। बट ये क्यू है यहाँ पे एंट्रेंस की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी लाइन लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। सो अब अंदर का इंटीरियर देखते हैं कि इसका अंदर का इंटीरियर कैसा होता है। ओके, तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ, आप देख सकते हो। अभी मुझे वहाँ से एंट्री करनी है उधर से, बाकी मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ से ले लेती हूँ और आपको बता दूं कि टिकट का प्राइस भी क्या था। तो पहले आप थोड़ा सा देख लो इसकी डिटेलिंग, बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग कर रखी है इसकी, यार मज़ा आ गया इसको देख के। पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना रखा है इतने से उसमें, पूरी दीवार पूरे उस पर मॉन्यूमेंट पे। ओके, तो अब मैं एंटर कर रही हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग फ्रॉम इनसाइड। See the work, glasses. ये देखिए, मैं थोड़ा सा और अंदर आई हूँ, तो मैं आपको सोच रही हूँ अंदर से पूरा इसका आर्किटेक्चर दिखाऊँ। मतलब क्या बनाया है यार, कैसे बनाया है, मेन तो ये है, इतना डिफिकल्ट आर्किटेक्चर है ये। It's
सिंपल तो है ही नहीं बिल्कुल, क्या क्या जो इसका जिसने इसको पूरा बनाया है गौदी, उसने क्या काम किया है मिरर से और ये सब जितने भी ग्लासेस हैं, ग्लासेस का कैसे यूज़ किया है, मैंने सॉसम टू सी पास से, मतलब आप तो वीडियो में देख रहे होंगे बट अमेजिंग वर्क आई मीन। ओके तो मैं अभी बैक साइड आ चुकी हूँ, आपको जैसे दिख रहा होगा, आप ये देखो इसकी बैक साइड है जो मैंने अभी आपको फ्रंट से भी दिखाया था, और ये इसका बैक साइड है पूरा। और इसकी मैंने थोड़ा सा जो और पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, ये जो बैक साइड है ना, ये बेसिकली यहाँ पे दिखाया है उनका मतलब कैसे, मतलब सफरिंग थी और वो जो डेथ था जीसस का, तो वो यहाँ पे बताया गया है ये पीछे बैक साइड पे। और जो फ्रंट साइड है जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ, वो आपको बेसिकली बताता है जीसस का बर्थ। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा और दिखाऊँ आगे, थोड़ा सा आगे चढ़ते हैं, तो आपको दिखेगा कैसे जीसस को ऊपर ऐसे करा गया है और सब लोग इतने सफ़र कर रहे हैं। तो वो देखिए आप, थोड़ा सा मैं इधर आ गई हूँ जिससे सामने से आपको पता चले। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये जीसस का डेथ का दिखा रखा है और यहाँ लोग सब परेशान हैं, तो वो सब बता रखा है। और इसका आर्किटेक्चर अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो वो इस तरीके का है। और फ्रंट वाला जीसस बर्थ दिखा रखा है, एंड आई थिंक एक और टावर बन रहा है जिसमें जीसस का पुनर्जन्म दिखाया जाएगा। तो ये कहानी है इसके बैक साइड की, बाकी फ्रंट से और इसको विजुलाइज करते हैं। ओके तो मैं अभी इधर एंटर करने जा रही हूँ। ये एक्चुअली गौदी ने यहाँ पे, अगर आप पढ़ोगे कि सिर्फ उसका आर्किटेक्चर में ही इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसने डिज़ाइन किए पीसेस ऑफ फर्नीचर्स एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रीचिंग। ओके तो फर्नीचर्स और ऑब्जेक्ट्स उसने यहाँ पे बनाए हैं, और उसके यूनिक शेप्स हैं जिस वजह से इसको बहुत अप्रिसिएशन मिला है, राइट। एंड उनको डिज़ाइन किया गया है रिलीजियस सेरेमनीज के लिए, एंड टू मेक बोथ प्रीस्ट एंड पार्शनर्स मोर कम्फर्टेबल। सो गौदी ने डिज़ाइन किया हुआ है क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की थी प्रीस्ट के लिए और बाकी लोगों के लिए। इट्स जस्ट नॉट ओनली आर्किटेक्चर विच यू आर ऑलरेडी सीइंग इट। ओके सो सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं है, बट इसने कुछ कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं, उसमें से जैसे पहला ये है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या बोलता है ये। 15 कैंडल होल्डर्स इन अ ट्राइंगल शेप यूज्ड फॉर ईस्टर सेलिब्रेशंस थ्रू 1956। तो ये जो है 15 कैंडल होल्डर्स हैं, आप देख सकते हो सारी कैंडल्स लगी हुई हैं इस पर, और ये बेसिकली उन्होंने बनाया था ईस्टर सेलिब्रेशंस के टाइम के लिए। देयर इज़ वन मोर, दिस मतलब लुक लाइक अ चेयर, और इसके बारे में लिखा है प्यू फॉर द चर्च एट कॉलोनिया ग्यूएल मेड विद मटेरियल रेस्क्यूड फ्रॉम टेक्सटाइल फैक्ट्री, सिंपली इट्स नोटवर्थी विद द वुड एंड आयरन वर्क। तो बेसिकली बैक रेस्ट है, ओके मतलब आप रेस्ट कर सकते हो इस पर, और इसको वुड एंड आयरन से बनाया गया है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और क्या है जो उसने गौदी ने अपने तरीके से बनाया है। होली फैमिली, तो ये मोनोग्राम है बेसिकली जो गौदी ने डिज़ाइन किया था, एंड दिस रिप्रेजेंट कि उसका जो डिवोशन था फॉर द होली फैमिली, तो उसके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और क्या क्या है। ये भी एक रेस्टिंग चेयर ही लग रही है मेरे को, दिस इज ऑल्सो अ चेयर। मूवेबल पल्पिट फ्रॉम द क्रिप्ट ऑफ सागरदेव, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच टू प्रीच। अच्छा ओके, तो मतलब ऊपर आप यहाँ से जाएंगे और ऊपर खड़े होके आप
क्या होता है ना, ज्ञान दे सकते हैं वैसा वाला। तो उन्होंने कुछ ऐसा सा प्लेटफॉर्म बनाया था कि आप यहाँ से चढ़ें और ऊपर जाके उपदेश दें। नेक्स्ट, ये भी कैंडल होल्डर्स है, मतलब बेसिकली प्रीस्ट और जो उपदेश देते हैं, जो प्रीच करते हैं उनके लिए। वो भी कैंडल होल्डर ही है, वो मोनोग्राम का ही दिखा रखा है। ये अंदर क्या है, अंदर लोग नहीं है, बंद है हुआ शायद ये। तो आई थिंक ये छोटा सा एक म्यूज़ियम ही हुआ, जहाँ पे जो भी गौदी ने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, आयरन, वुड, इन सब के थ्रू बनाया था, वो यहाँ पे उसने प्रेजेंट किया है। तो ये है, शॉपिंग सेंटर। और ये भी अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, नीचे शॉप्स हैं, ऊपर एक आर्किटेक्चर है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बेसिकली ये भी सेंटर जो है ना, ये जो शॉपिंग सेंटर, आई थिंक 700 साल पुराना है शायद, मैंने जितना देखा था। और काफ़ी सारी शॉप्स हैं अंदर, लाइक 700 शॉप्स, मतलब कैन यू इमेजिन 700 शॉप्स एक जगह पे हैं। और रेस्टोरेंट्स भी हैं, और बहुत ही फेमस, मतलब आर्किटेक्चर वाइज भी देखा जाए बहुत ही फेमस है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ जो बार्सिलोना में है, और मर्सेद डेल करके आप देख सकते हो। इसके नीचे सारी शॉप्स हैं, अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर से देखेंगे। बाकी बस मैं आपको आर्किटेक्चर दिखा रही हूँ इसका, कैसा कैसा अलग सा आर्किटेक्चर है ना, एक ऊपर से एक फेस बना दिया है और नीचे सारी शॉप्स हैं। आप अगर देख पाओ यहाँ से तो आपको शॉप्स दिखेंगी। मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपको वहाँ पे शॉप्स नज़र आएंगी, और आप भीड़ भी देखें, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। अभी हम अंदर जाते हैं और इसको अंदर से देखते हैं कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं अब एंटर कर रही हूँ इधर। ये आप देख सकते हो, यहाँ से शॉप्स स्टार्ट हो रही हैं सारी। जैसे एक सेंट्रल मार्केट होता है, वैसे यहाँ का ये फेमस बहुत ही शॉपिंग सेंटर है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। चलते हैं आगे और दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे है क्या क्या। सारी शूज़, कपड़ों की शॉप्स लगी हुई हैं यहाँ पे। अंदर से देखिए, माय गॉड क्या है ये। इसको बहुत ही यूनिक शॉपिंग सेंटर बोला गया है। आप देख सकते हैं लोग और शॉप्स ऊपर है, नीचे हैं। भीड़ देखिए आप, तो मुझे अपने थोड़ा सा इंडिया की याद दिला रहा है, आई डोंट नो व्हाई।
ये वो जो ऊपर से इसका बेस है छाया के लिए। ये देखिए एक एक यूरो, 4 यूरो, इतने सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं। नीचे चले, पहले नीचे चल के देखते हैं नीचे क्या है। इसे नीचे सारी शॉप्स लगी हुई हैं। कहते तो हैं थोड़ा यूनिक आइटम मिलता है, बाकी देखते हैं क्या मिलता है यूनिक आइटम भी। मैं भी थोड़ी सी वो हो रही हूँ। ऐसे कुछ फील आ रहा है चोर बाजार टाइप की, पता नहीं क्यों मुझे होगा तो नहीं, बट मैं ऐसी बोल रही हूँ। बड़ी बहुत पुराने से चलता हुआ आ रहा है एक्चुअली। फाइनली धूप आ चुकी है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि धूप होती है तो अच्छा फील होता है, और कल बहुत अच्छी धूप थी, फाइनली अभी धूप आई है तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और अब मैं आ चुकी हूँ आर्क डे के ऑफ पे, और वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मेरी जस्ट पीछे है, पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी बार्सिलोना में, पर स्टिल जो है वो तो मेरे को आपको दिखाना ही है। और ये इसकी सराउंडिंग्स है, अगर थोड़ी बहुत आपको ऐसे दिख रही होंगी तो ऐसे स्ट्रेट एक उधर की साइड जाने के लिए पार्क जैसा बना, मतलब पार्क मतलब एक पाथवे है। तो मैं बस आपको दिखाती हूँ सामने आर्क डे ट्रायंफ। ओके, तो ये है आर्क डे ट्रायंफ, आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ दिखता है लाइक एन इंडियन गेट। ऑब्वियसली इंडियन गेट नहीं है, बट ये कुछ ऐसा है। और फाइनली ये कुछ ऐसा है कि ये जोसेफ ने बनाया है, ना कि एंटोनी ने, जिसने और भी चीज़ें बनाई थी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है सागरदा द फैमिलिया और कासा बातलो गौदी ने बेसिकली। तो बट फाइनली ये कुछ आर्किटेक्चर है जो किसी डिफरेंट ने बनाया है, जो कि है जोसेफ। और ब्रिक वर्क दिख ही रहा होगा आपको, और ये एक्चुअली इसको बोला जाता है कि एक मेन एक्सेस गेट है यहाँ से बार्सिलोना वर्ल्ड फेयर के लिए। बट यहाँ पे अभी तो पता नहीं कैसा है क्या है, बट ऐसा कुछ लिखा हुआ है आप देख सकते हो, वहाँ तक लोग जा रहे हैं। मे बी आगे कुछ और भी हो तो देखती हूँ, अगर आगे तक उधर तक गई तो मैं कुछ दिख तो रहा है उधर की साइड, बट देखती हूँ उधर जाती हूँ तो। वहाँ कुछ लाइव म्यूजिक, बट दिस इज़ बेस्ट, धूप ये मिल जाए तो क्या ही बात है।